यूके, अगर आप अमेरिका कनाडा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वैलिडिटी 5 साल की हो, क्योंकि ये कंट्री ज्यादातर मल्टीपल वीजा जारी करती है ट्रैवलिंग के। जिनको वीजा मिलते हैं उनको ये जो 5 साल का वीजा देते हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की, और उसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हम तस्वीरों के ऊपर पहुंचे थे, जहां पे मैं आपको कुछ बता रहा था कि तस्वीरें सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं बनानी चाहिए, तस्वीरें आपकी चैनल बनानी चाहिए में आपकी आईज, आपके जो है, अगर आप ग्लासेस भी पहनते हैं ग्लासेस आपने उतार देने, अगर आप अपने सर पे हिजाब लेती हैं तो हिजाब को भी आपने उतार के अपना बनाना है। और साइज सबके जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। वाइट बैकग्राउंड ही ऑलमोस्ट आज का चल रहा है, और 2x2 की तस्वीर ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। तो आपने बहरहाल फिर भी आपने उसके रिक्वायरमेंट जो होती है एम्बेसी की, वो तमाम को देते हैं, उसके ऊपर आपने उसको जो है ना उसको मैंशन किया। तो हम बात कर रहे थे कि आपने अब तस्वीरों पे भी हमने बात कर ली। हमने एक, अगर रिप्ले में हम जाएं तो सबसे पहले कवर लेटर था, कवर लेटर के बाद आपका पासपोर्ट था, पासपोर्ट के बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका एनटीएन था, एयर टिकटिंग थी, उसके बाद आपके होटल बुकिंग थी, उसके बाद आपकी जो है पिक्चर्स थी, आपके अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, अगर आप इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं सॉरी, और अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आपको वो सारी हम वो बता रहे थे कि ये उसके साथ साथ ये चाहिए। तो जो बेसिक्स यही हैं कि जो तस्वीरें भी आपको बताया वो सारा कुछ आप बता। फिर उसके बाद है जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और एलिमेंट और एक और आपकी जो है वो वीज़े में जो आपको एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। क्योंकि आपको जानते हैं अभी कोविड है, कोविड की वजह से आप आजकल तो एक और भी रिक्वायरमेंट आ गई है कि अगर आप ने वैक्सीनेशन नहीं ली और वैक्सीनेशन के आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन लग गई है, तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। जो आपके नेगेटिव पीसीआर हैं जो आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, वो भी आपने अपनी ट्रैवलिंग से पहले, जब आपको वीज़ा इशू हो जाना है ट्रैवलिंग से पहले 72 आवर पहले अपने फ्लाइट से आपने वो लेना है, उसको लेना है। लेकिन उससे पहले आपकी जो 50,000 30,000 से लेके 50,000 USD की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो कि आपका किसी किस्म का भी वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको वो कवर करती है। उसकी वो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर आपका जो वो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उनमें उन कंट्रीज में जाते हैं तो वो आपको क्वारंटाइन 5-स्टार होटल में करवाते हैं, और वो उसकी कीमत आपसे लेते हैं जो कि आलमोस्ट आपके जो है $1,000 तक जाती है 14 दिन की। तो ये आपने ख्याल करना है ट्रैवलिंग करने से पहले कि आपको पता हो कि आप क्या सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं, या आप उस कंट्री में जाके आप पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप कहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे, आपके सोर्सेज क्या हैं, आपके अकोमोडेशन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने हमसे डिस्कस कर लें किसी भी मीडियम से, उसकी एम्बेसी के थ्रू उसकी जो है वो अपडेट उसकी ले के, उसकी जो ट्रैवलिंग एडवाइजरी है वो उसकी पढ़ के फिर आपको आप लोग ट्रैवलिंग किया कीजिए। अगली जो हमारी आप ये हमारी वो वीडियोस थी जिसमें हमने आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बताई, उसके बाद हम अभी बात करते हैं अपनी जो है आप जिस कंट्री में जाते हैं, अब आपको वीज़ा मिल गया, अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने वो वीज़ा लिया उसकी वैलिडिटी के अंदर अंदर आपने उसको ट्रैवलिंग करना है। अब आप उसमें एयर टिकट मस्ट है आपका, रिटर्न एयर टिकट
या नेक्स्ट डेस्टिनेशन, उस कंट्री के बाद का आपका क्या प्लान है? अगर आप दो से तीन कंट्रीज में जा रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग, आपने टूर लिया हुआ है या आप ऐसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वैलिड वीज़ा, पासपोर्ट आपके आपके पास और होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी इमिग्रेशन में। उसके बाद जनाब आपके पास जो है आजकल के सिनेरियो के हिसाब से, आपके पास अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी भी कंट्री में जो है 10 दिन से 12 दिन, तो आपके पास $200, 100 मिनिमम कहते हैं, लेकिन 100 से $200 आपके पास, यानी $1,000 प्लस आपके पास कैश पैसे डॉलर्स की शक्ल में होने चाहिए। ये भी याद रखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती किसी भी सिटीज़न को 5,000 से ऊपर पाकिस्तानी करेंसी लेके जाने के लिए। आपको कोई भी करेंसी है वो यहाँ पे आपको एक्सचेंज करा के जानी होती है, आप पाकिस्तानी करेंसी नहीं लेके जा सकते। आप पाकिस्तानी करेंसी वहाँ पे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो आपके कस्टम हुकाम है और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो आपको बकायदा वहाँ पे देखते हैं। एक किसी भी आप जगह पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अभी हमेशा कोशिश करें कि एयरपोर्ट से बाहर या एयरपोर्ट से आगे जाते हुए इमिग्रेशन की वो जो रेड लाइन जिसको हम बोलते हैं उसको क्रॉस करते हुए कभी भी किसी का भी लगेज कैरी मत करें, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, किसी की भी कोई भी चीज़ अपने हाथ में मत रखें। हमेशा किसी के साथ, ऐसे बंदे के साथ बातचीत मत करें जो कि आपके लिए टोटली स्ट्रेंजर हो। इमिग्रेशन दोनों क्रॉस करने से पहले, अपनी भी और दूसरी इमिग्रेशन क्रॉस करने से पहले, किसी किस्म की भी इलीगल चीज़ अगर आपको नज़र आती है या आपको डाउट है तो अपने ऑफिशियल्स को आप उससे पहले आगाह करें, ये ना हो कि आप किसी ट्रबल में फंस जाएं। तो हमेशा आप जब भी जाएं तो अपने साथ ये जो सारे लवाजमात हैं ये आपके पास होने चाहिए। रिटर्न टिकट आपका चेक किया जाता है, आपकी अकोमोडेशन जो है उसका प्रूफ कि कहाँ पे आप रहेंगे, और आपके पैसे भी चेक किए जाते हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड्स में उसको रखते हैं, नहीं, क्रेडिट कार्ड्स की अमाउंट को वो बीच में नहीं गिनते। या आपके पास ट्रैवलिंग ट्रैवलर चेक होने चाहिए या आपके पास कैश अमाउंट डॉलर्स में होनी चाहिए जो आप वहाँ पे जाके उस करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये हमारी वीडियोज़ थी। अब जब आप एम्बेसीज की जो हम बात कर सॉरी आपसे वो बात करनी थी कि एम्बेसीज में आप जब अपने जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर एक फाइल में उनको लगा के तरतीब से सारे पासपोर्ट, उनको जो भी आपके प्रीवियस पासपोर्ट हैं उनको भी आपने साथ लेके जाना है, अपना आईडी कार्ड आपने साथ लेके जाना है, और आपने जाके वहाँ पे आपने उनको सबमिशन कराना है, चाहे वो VFS ग्लोबल जिसको हम जेरिस भी कहते हैं वहाँ पे हो, या वीज़ा ड्रॉप बॉक्सेस में हो, या एम्बेसी के जो है आप एम्बेसी में जाके करवाएं, तो आपने सारे लेके जाएं। सिंपल तरीके में जाएं, नॉर्मल बन के जाएं। एम्बेसी क्या आपसे इंटरव्यूज में क्या पूछती है, लोग इसको बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, पता नहीं एम्बेसी क्या पूछेगी, एम्बेसी ने ये कर देना है वो। आजकल तो लोग क्लासेस दे रहे हैं, जी आए जी आपको क्लासेस देते हैं, हमें पे करें, हम आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, अमेरिकन जो है वीज़ा की तैयारी हो रही है आज ही, वो जी कैनेडा के वीज़ा की तैयारी हो रही है। तो आप लोगों को एक बताऊं, ये सारा कुछ भी नहीं होता, इससे घबराना नहीं चाहिए। एम्बेसी क्या आपसे सवाल पूछती है, आपके ही बारे में सवाल पूछती है, और आपके वो जो डॉक्यूमेंट स्टेशन आपने बनाई है या उनको दी है उसी के ऊपर आपसे बात होती है कि वो सही है या गलत है। आपसे आपका वही आपको बताया कि आपका कवर लेटर, अगर आप अपने कवर लेटर को बनाते हुए या किसी भी ऑफिशियल की हेल्प लेते हुए कवर लेटर अच्छा तैयार करते हैं, अगर आप उसी पूरे कवर लेटर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और उसको उसी के ऊपर जाके जो है उसको रहते हैं, तो आपका इंटरव्यू 100% सक्सेसफुल होता है। आपसे कुछ भी ऐसा सवाल नहीं किया जाता कि जो कि आउट ऑफ क्वेश्चन हो या आउट ऑफ ऐसा उसमें हो जो कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है उसके बाहर हो। उसमें यही पूछा जाता है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने हमारी कंट्री को ही सिलेक्ट किया तो इसका इसको क्यों किया,
क्या आप जब ट्रैवलिंग करेंगे वो ये देखते हैं आपको इंफॉर्मेशन उस कंट्री की है या नहीं है। आप वहाँ पे जो एक्टिविटी करेंगे, वहाँ पे जो भी अपना आप दिन गुजारेंगे, क्या उनको एक लॉफुल तरीके से गुजारेंगे, उन आपके जो है कौन आपके जो है फाइनेंस कर रहा है, कौन आपको वहाँ पे पैसे दे रहा है, कितने दिन आपने वहाँ पे रहना है, तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसको इतना ज़्यादा सवार ना कीजिए, सिंपल रहा कीजिए। और जो है आप हर वीडियो को देख के बहुत सी लोग यहाँ से पासपोर्ट उठाते हैं और वो कहते हैं जी हम जा रहे हैं, जी ये तो वीज़ा फ्री कंट्री है, ये तो जी फलानी कंट्री है, वो यहाँ से जाते हैं, जब इमिग्रेशन में पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई ये तो आपके लिए इसका वीज़ा चाहिए, आपको यहाँ पे पहले ही प्री अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, आपके वहाँ पे परमिट्स होते हैं, आपको टूरिस्ट पास चाहिए होते हैं, आपको वहाँ पे कंपनी के ज़रिए जाना है आपको, तो लोग वहाँ पे अपना टिकट जो है वो भी ज़ाया कर लेते हैं, जो इतनी एफर्ट लगी होती है वो भी ज़ाया कर लेते हैं। तो उस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले 100% रिलायबल जो है वो चैनल से देख लिया करें। कभी भी चैनल्स की वीडियो आप जब भी देखते हैं उसको कंप्लीट देखा करें, एंड तक देखा करें, और फिर सोचा करें कि इसके अंदर क्या हमारे पास वो सोर्स ऑफ नॉलेज या इंफॉर्मेशन है जो हम गेन करना चाहते थे, वो हमें मिली है या नहीं मिली। कभी भी नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले एक वीडियो को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, और कभी भी कि इसको 9 मिलियन व्यूवर्स मिले हैं, इसको इतने व्यूवर्स मिले हुए हैं, आप उस बेस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन उठा लेते हैं जो कि आपके वीज़ा को ख़राब कर देती है। तो आजकल आपको पता है लोग, ये हमारा काम यहाँ पे सिर्फ इस मीडियम को यूज़ करने का ये है कि हम लोगों को सही और लीगल इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस जो हम बना रहे हैं उसमें हम आपको वक्तन फवक्तन अभी हम आपको जो है वो अपडेट्स दिया करेंगे कोविड के ऊपर के कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आप जा सकते हैं और उन कंट्रीज़ के अंदर क्या आपके डू और डोंट्स हैं, कि क्या करना चाहिए और क्या आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपने मस्ट लेने हैं। तो नेक्स्ट हमारी दो वीडियोस हैं जो एक उर्दू ज़ुबान में हमने बनाएंगे, एक हम इंशाल्लाह इंग्लिश ज़ुबान में बनाएंगे अपने जो है दूसरी कंट्रीज़ के व्यूवर्स के लिए, जिसके नीचे सबटाइटल्स होंगे, आप अपनी ट्रांसलेशन उसको कर सकते हैं। उसके अंदर हम यही आपको बताएंगे कि कोविड में या कोविड के अलावा भी एज अ सोलो ट्रैवलर या एज अ ग्रुप ट्रैवलर या एज अ फैमिली ट्रैवलिंग, हनीमून के लिए आप जा रहे हैं, फैमिली हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं, या आप हेल्थ के लिए जा रहे हैं तो, या वर्क के लिए जा रहे हैं, तो किसी के झांसे जाल में मत आएं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो तरीके से जा रहे हैं वो 100% सिक्योर और 100% रिलायबल है, तो ही उसको हमेशा चूज़ कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो हमेशा उस मीडियम और उस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुँचाइए जो कि आपको 100% जेन्युइन लगता है, क्योंकि सीधी बात बताना और सही इंफॉर्मेशन और सीधे रास्ते पे लगाना, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक ये एक सदका जारिया। तो इस सदका जारिया को हमेशा अपनी कोशिश कीजिए और ये फेक यूट्यूब चैनल से उनकी इंफॉर्मेशन और उनको देखना कि वो ट्रैवलिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाए, उनने कैसे, उनसे पूछें कि आपने वीज़े कैसे लिए, वो तो आपको बता देते हैं कि हम फलानी जगह पे गए, हमने इस तरह लिया, हमने इस कंट्रीज़ में घूमे, आप हम यहाँ पे गए, हम वहाँ पे गए, और हमने तो अपने तरीके से जी अप्लाई किया एंड जस्ट। तो उनसे पूछें कि जी आप जब कैनेडा का लिए वीज़ा अप्लाई करने गए थे तो क्या आपका 25,000, 30,000, 40,000 रुपया लगा था, आपकी क्या इतने ही अमाउंट में आपने वीज़ा ले लिया था, तो फिर आपको वो अगली कहानी बताएंगे कि जी वो तो ऐसे था तो वो ऐसे था, वो सिर्फ एक आपको बनाने के लिए कि आप बंदा समझता है कि एक वीज़ा लगवा लिया उसने, मैं ला तादाद कंट्रीज़ में गया हूँ, ला तादाद लोगों को लेके गए हैं, इस कंपनी के थ्रू बहुत से लोग गए हैं, हमारे कस्टमर गए हैं, हम उनको अपनी ढाल अपनी हम उनको अपना हथियार बना के आपके सामने पेश नहीं करते हैं। हमारा उनकी तमाम ट्रैवलिंग वो प्राइवेसी है उनका है, उनकी अथॉरिटी से हम अपने पास एक हमने जो है वो बुक रखी है जिसमें उनका पूरा इंफॉर्मेशन और उनकी हमने उनके रिव्यूज़ हम उसके अंदर रखते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें ये दिखाना ये दिखावा कि ये हमने लगा दिया वो कर दिया, इससे हमारा कोई नहीं। कुछ हमारे कस्टमर्स हजरात हैं जो कहते हैं कि हमें इजाज़त देते हैं कि हमारे वीज़ा को आप अपने
लगा सकते हैं अपने फेसबुक और प्रमोशन के लिए, तो हम उनको लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, प्राइवेसी में है, तो हम उनकी वो जो है वो उनकी, चाहे वो इमिग्रेशन उनकी हो, चाहे उनकी माइग्रेशन हो, चाहे उनका स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे हेल्थ वीज़ा हो, चाहे जो है ई वीज़ा हो, किसी टाइप का भी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, हम उसको हमेशा जो है वो एक सीक्रेसी में और उनको जो है उनकी अमानत के तौर पे ही उसको रखते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉपर जो है वो साथ हम इसके अंदर अटैच कर देंगे, कुछ पिक्चर्स जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो ये याद रखें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हम साथ इसके वीडियो के अटैच करेंगे, ये जस्ट फॉर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इनको किसी भी किस्म की कॉपीराइट से जोड़ना या इनको किसी किस्म का इलीगल वे में यूज़ करना, इसकी जिम्मेदारी ना मेरे पे, ना मेरे किसी कंसल्टेंट पे, ना किसी भी, मैं तम बिहाफ ऑफ ऑल द ट्रैवल एजेंट्स एंड ट्रैवल एजेंसीज और इमिग्रेशन फर्म्स के बिहाफ पे आपको हमेशा ये बताता हूँ, कोई भी चाहे वो कोई भी है, वो आप कोई भी लॉ फर्म है, कोई भी आपकी इमिग्रेशन फर्म है, और कोई भी आपकी जो है ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल है, खुदारा वो कभी भी आपको इनक्रेज नहीं करते इलीगल एक्टिविटी के लिए। ये काम है, ये जो लोग डंकियां लगा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसमें 100 लोग जाते हैं तो उसमें से 4-5 पार हो जाते हैं, बाकियों की स्टोरी को तो हम देखते ही नहीं।